आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पहले ही दिन 12 से 14 साल तक के 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को लगा टीका। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर टीकाकरण शुरू। 28 दिन के अंतराल में लेनी होगी दूसरी खुराक। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर देश में 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए बुधवार को कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया। पहले ही दिन रात 9 बजे तक 2,11,599 बच्चों ने कोरोवैक्स टीका लगवाया। वहीं यूपी में 10,000 से ज़्यादा बच्चों को टीका लगाया गया। केंद्र को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन की नीति को सही ठहराया। तो केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सशस्त्र बलों में वन रैंक वन पेंशन सरकार का नीतिगत निर्णय है और इसमें कोई संवैधानिक खामी नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच समझौते की नई उम्मीद, शांति वार्ता फिर शुरू। तो 3 हफ्ते से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में रूसी सेना की नाकाम कोशिशों के बीच बुधवार को दोनों देशों में समझौते की नई उम्मीद जगी। शांति वार्ता फिर से शुरू होने से ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा, अब कुछ अधिक वास्तविक होने के संकेत हैं। वहीं रूस के विदेश मंत्री संगेई लावरो ने कहा, समझौते के आसार हैं। यूक्रेन की तटस्थ स्थिति वाली हमारी प्रमुख मांग की ओर बातचीत बढ़ रही है। सीधे बच्चों के खातों में जाएगा जूते बैग का पैसा। तो सरकारी व सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क जूते व स्कूल बैग दिए जाएंगे। इसकी धनराशि डीबीटी से बच्चों के बैंक खाता में डालने के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी को दे दिए गए हैं। पूर्व रक्षा सचिव समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट पेश। तो सीबीआई ने 36,000 करोड़ रुपए के अगुस्ता वेस्टलैंड सौदे में पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा के खिलाफ बुधवार को आरोप पत्र दाखिल किया। उनके साथ तत्कालीन वायुसेना उप प्रमुख जसवीर सिंह पनेसर और 3 अन्य सेवानिवृत्त अफसरों को आरोपी बनाया गया है। इन पर गलत तरीके से सौदे को मंजूरी दिलाने का आरोप है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पैसा दूसरी परियोजनाओं में लगा दिया। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण के नाम पर पैसा उठाकर निर्माण एजेंसी ने दूसरी परियोजना में लगा दिया। इससे 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद एक्सप्रेसवे का 10% काम भी पूरा नहीं हो सका है। इस खुलासे के बाद सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। होली पर 4 जिलों में बारिश के आसार। तो होली के दिन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 19 मार्च को पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का क्रम जारी रह सकता है। 20 को चमोली, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। फूलदेई प्रकरण में राजभवन पहुंची रिपोर्ट, जांच में तेजी। तो राजभवन में बच्चों को फूलदेई मनाने से रोके जाने की मामले की जांच तेज हो गई है। रंगोली आंदोलन संस्थापक शशि भूषण मैठाणी के इस मामले में राज्यपाल सचिवालय से किए पत्राचार की रिपोर्ट मेल पर सचिव को भेज दी है। उत्तराखंड में पहले दिन 4,705 किशोरों का हुआ टीकाकरण। विधायक दल की बैठक 20 को संभव। तो उत्तराखंड में नई सरकार के गठन को लेकर के भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में विचार विमर्श का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें गुजरात फॉर्मूला अपनाने और अन्य विकल्पों पर भी चर्चा की गई है। उत्तराखंड में नई सरकार का गठन होली के बाद किया जाएगा। नए नेता को चुनने के लिए विधायक दल की बैठक 20 या 21 मार्च को होगी। विमान ईंधन 18% से ज़्यादा महंगा हुआ। तो विमान ईंधन की कीमतों में बुधवार को अब तक की सर्वाधिक 18% से अधिक की बढ़ोतरी की गई। केवी में 11 अप्रैल तक पंजीकरण। तो केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 11 अप्रैल तक पंजीकरण करा सकेंगे। केवीएस ने दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात कही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के कारण हारी। तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार से पार्टी में अंतर्कलह बढ़ता जा रहा है। रणजीत रावत, प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत के बाद अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी घमासान में कूद पड़े हैं।
कुंजवाल ने बुधवार को कहा कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी के कारण उत्तराखंड में कांग्रेस की हार हुई। उन्होंने कहा कि प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष के अलावा संगठन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। खबरदार, खतरनाक पनीर पकड़ा। तो होली में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की आशंका के चलते FDA विजिलेंस के साथ मिलकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी शुरू कर दिया। टीम ने बुधवार सुबह IT पार्क के पास राधा इनकलव्य में UP नंबर के एक वाहन को पनीर सप्लाई करते पकड़ा। पूछताछ के दौरान इस पनीर में स्किम्ड मिल्क, मिल्क पाउडर, रिफाइंड की मिलावट की बात चालक ने कबूली। इसके बाद 180 किलो पनीर एक डंपिंग जोन में नगर निगम की JCP ने नष्ट करा दिया। प्रेमनगर अस्पताल का उच्चीकरण होगा। तो विधायक बोली, इंदिरा नगर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण होगा। हरवंश कपूर के अधूरे काम पूरे कराने पर फोकस रहेगा। मेडिकल कॉलेजों में होगी 393 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती। तो राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चल रही फैकल्टी की कमी जल्द दूर होगी। चिकित्सा चयन आयोग मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 393 पदों पर भर्ती करने जा रहा है, जिसके बाद कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 824 पदों पर भर्ती शुरू। तो स्वास्थ्य विभाग में समूह के अंतर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 824 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। अभ्यर्थी 24 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अप्रैल है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने PCS प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। ये परीक्षा 3 अप्रैल को होनी है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा को लेकर एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें इसकी परीक्षा जो है उसका आयोजन 23 अप्रैल शनिवार से 27 अप्रैल 2022 बुधवार तक उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार, देहरादून एवं हल्द्वानी नगर में किया जाएगा। उक्त परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से अर्य अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड दिनांक 7 अप्रैल 2022 से आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों जगह जगह केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय ONGC कोलागढ़ रोड देहरादून में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें PGT में अंग्रेजी भौतिक शास्त्र प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी व स्नातोत्तर शिक्षक में विजिलेंस स्टडीज एवं अकाउंटेंसी के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो ONGC.dehradun.kva.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आवेदन पत्र भर करके 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ये पद जो है वो इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू जो है वो 23 मार्च को होगा। तो पूरी जानकारी जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें PGT में अर्थशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जबकि TGT में संस्कृत, गणित, विज्ञान, बायो के पदों पर भर्ती निकली है। वहीं PRT के पदों पर भर्ती निकली हुई है। साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षक, संगीत, नर्स के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 24 मार्च को प्रातः 9 बजे केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में इंटरव्यू होगा। इसकी पूरी जानकारी gopeshwar.kvs.ac.in पर जाकर के ले सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन भर्तियां, तो 52 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं UP PCL में अवसर, तो जूनियर इंजीनियर सिविल के पदों पर 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RCFL में 137 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिला जल एवं स्वास्थ्य समिति में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रसायन व उर्वरक मंत्रालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ RCFL में 137 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
वहीं CSIC में 93 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं UPPCL में 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IIM में 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अब की बार होली पर 2 दिन छुट्टी, तो राज्य में अब की बार होली पर 2 दिनों का सार्वजनिक अवकाश रखा गया है। यह अवकाश थर्सडे 17 और फ्राइडे 18 मार्च को होगा। वहीं प्रदेश के कुमाऊं मंडल में सैटरडे को होली मनाई जा रही है। ऐसे में कुमाऊं मंडल में सभी 6 जिलों के DM ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए वहाँ 19 मार्च को भी अवकाश की घोषणा की है। शुभ मुहूर्त में करें होली पूजन, तो पूर्णमासी तिथि 17 मार्च दोपहर 1:32 से 18 मार्च दोपहर 12:49 तक रहेगा। 31 दिन में 36 बिजली चोर, तो लाख कोशिशों के बावजूद बिजली चोरी कम नहीं हो रही है। खास बात यह है कि अब राजधानी में बिजली चोरी पकड़ में आ रही है, जबकि अक्सर कहा जाता था कि कम से कम दून में तो बिजली चोरी नहीं होती है, लेकिन अब तो दून के आउटर व सिटी एरियाज में भी जनवरी माह में 36 घटनाएं बिजली चोरी के सामने आ चुकी हैं। वेजिटेरियन में कैंसर का खतरा 14% कम, तो 4,72,000 लोगों पर रिसर्च किया गया। रिसर्च में 4,72,000 लोगों को शामिल किया गया। इनका डाइट डेटा UK बायो बैंक में लिया गया। नॉनवेज के नुकसान, तो रेगुलर नॉनवेज खाने वालों की तुलना में कम नॉनवेज वालों में किसी भी कैंसर का खतरा 2% कम है। ऋषिकेश रोड को मिला नेशनल हाईवे का दर्जा, तो ऋषिकेश मार्ग को प्रमोशन मिल गया है। यह मार्ग राज्य मार्ग से उच्चीकृत होकर राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया है। इसके साथ ही अब यह मार्ग राज्य सरकार के अधीन न होकर केंद्र सरकार की एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन हो गया है। झंडा मेले के लिए पंजाब से पहुंची संगत, तो पंजाब के विभिन्न हिस्सों से 70 सदस्यीय पैदल संगत का जत्था वेडनेसडे शाम को श्री दरबार साहिब पहुंचा, जहां शाम 5:15 दून के दर्शनी गेट पहुंचते ही पैदल संगत का पुष्प वर्षा व ढोल नगाड़ों के थाप के साथ दून वासियों व श्री दरबार साहिब प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। सवारियों को लेकर जा रही बस में लगी आग, तो देहरादून ISBT से बरेली जा रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास अचानक आग लग गई। कॉर्बेट नेशनल पार्क में अब सफारी हुई महंगी, तो सफारी के लिए चुकाना होगा 700 के बजाय 800 रुपये। दून में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 9:06 के बाद, तो होलिका दहन गुरुवार को होगा। उत्तराखंड विद्वत सभा के प्रवक्ता आचार्य विजेंद्र ममगाई के अनुसार पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ गुरुवार की दोपहर 1:29 से अगले दिन 18 मार्च शुक्रवार दोपहर 12:47 तक मान्य है। होलिका दहन के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त रात 9:06 से रात 10:16 के बीच है। जनरल रावत का योगदान हम भुला नहीं सकते, त्रिवेंद्र। तो देश के पहले CDS दिवंगत जनरल बिपिन रावत की जयंती पर बुधवार को दून विश्वविद्यालय में श्रद्धांजलि और सीमा सुरक्षा पर हुए सेमिनार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि गांवों से पलायन रोककर ही हम सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के छात्रों में चिंता, तो कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स के सिनेमाघरों में लगने के बाद राज्य में रह रहे कश्मीरी छात्रों को भी पुलवामा के बाद हुए व्यवहार जैसी घटनाओं की चिंता सताने लगी है। JNK स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस पर चिंता जताते हुए सभी छात्रों को अलर्ट किया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर कहीं कोई घटना या गलत व्यवहार हो तो इसकी सूचना पुलिस या संबंधित संस्थान को जरूर दें। उत्तराखंड की पहली गढ़वाली वेब सीरीज भी दस्तक देगी, तो देश दुनिया में बॉलीवुड के बाद जहां वेब सीरीज पसंद की जाने लगी है, वहीं उत्तराखंड भी अब इससे पीछे नहीं रहा। उत्तराखंड के बीच जल्द ही गढ़वाली वेब सीरीज व नौनी प्रदर्शित की जाएगी। दून में राह चलती युवती से छेड़छाड़ मुकदमा दर्ज किया गया। यूनिवर्सिटी के नाम पर भाजपा ने फैलाया बड़ा झूठ,
तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने बुधवार को मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिस्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूरे चुनाव में मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम पर झूठ फैलाया। कांग्रेस की चुनावी व्यू रचना को तोड़ने के लिए मुस्लिम अस्त्र गढ़ा गया। वही खबर आई है, सतपुली में फांसी लगा दी जान। तो नगर पंचायत सतपुली में 42 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। चिंता, 5 साल में 29 बेरोजगारों ने की आत्महत्या। तो शहरी युवा बेरोजगारी में उत्तराखंड देश के चौथे पायदान पर। तो उत्तराखंड में 2016 से 2020 के बीच 5 सालों में 29 लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की। उत्तराखंड की तुलना में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की दर पड़ोसी राज्य हिमाचल में अधिक रही। यह खुलासा लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्र सरकार ने दिया। 17 साल बाद विश्व कप में सबसे कम स्कोर पर ढेर टीम इंडिया, इंग्लैंड से हारी। तो 3 हार के बाद इंग्लैंड को मिली जीत। भारत को 134 पर समेट 4 विकेट से जीता मैच। निचली अदालतों में सीसीटीवी कैमरे के मामले में 26 तक प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। परिवहन निगम कर्मियों ने 3% महंगाई भत्ता मांगा। रायवाला से भोगपुर के बीच खनन पर हाईकोर्ट की रोक। तो सरकार को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुस्तकालय घोटाले में मदन कौशिक से जवाब तलब। तो हरिद्वार में हुए घोटाले के मामले में 20 अप्रैल तक देना है जवाब। वही खबर है, बाजपुर से काशीपुर में युवती को बेचने के प्रयास में 8 गिरफ्तार। तो शादी का झांसा देकर के एक युवती की खरीद फरोख्त के मामले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 3 महिलाओं समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पतंजलि चारे के नाम पर ठगी करने वाले बिहार से गिरफ्तार हुए हैं। बिना अनुमति के मंदिरों में शूटिंग नहीं होगी। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन आने वाले मंदिर परिसरों में बगैर अनुमति के फिल्मों व गानों की शूटिंग नहीं की जाएगी। प्रोडक्शन हाउस, फर्म या संस्थाओं को लिखित रूप से शूटिंग करने का मकसद बताना होगा। दिल्ली रूट पर 4 वोल्वो बसें बढ़ाई। तो बरेली, लखनऊ, आगरा, सहारनपुर और रुड़की रूट पर फुल होकर चल रही हैं सभी गाड़ियां। अवैध भूमि खरीद मामले में कोर्ट में पेश हुए पूर्व डीजीपी। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने कोर्ट से की है मुकदमा दर्ज कराने की मांग। वहीं खबर है, देहरादून से बाइक सवार ने की युवती से छेड़छाड़। अमृत योजना के तहत कैंट क्षेत्रों में बिछेगी पेयजल और सीवर लाइन। होलिका दहन आज, कल 4 शुभ योगों में मनेगी होली। 15 दिन में होने लगेंगे कोरोनेशन में हृदय रोगियों के ऑपरेशन। स्कूल कॉलेजों में छाई होली की मस्ती, खूब उड़ा गुलाल। अल्मोड़ा की खुशबू, बड़कोट के प्रवेश चौहान बने विजेता। वहीं रुद्रप्रयाग से खबर आई है, विचित्र ने 7.22 घंटे में पूरी की 76 किलोमीटर की दौड़। रेल सफर हुआ दुश्वार, ट्रेनें फुल नहीं मिल रही हैं सीटें। आज सभी सरकारी अस्पतालों में होगा बच्चों का टीकाकरण। तो पहले दिन 12 से 14 साल तक की आयु वर्ग के 855 बच्चों को लगाया गया कोर्बोवैक्स का टीका। 5 जिलों में मिले 32 नए कोरोना संक्रमित, 18 ठीक हुए। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 5 जिलों में 32 कोरोना के नए संक्रमित मिले। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार में 10, देहरादून में 8, नैनीताल में 8, पिथौरागढ़ में 5, पौड़ी जिले में 1 संक्रमित मिला। नवनियुक्त शिक्षक 23 मार्च तक ग्रहण करे कार्यभार। तो जिले में प्राथमिक सहायक अध्यापक के पद पर बैकलॉग और सामान्य भर्ती पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण लगी अस्थायी रोक हटा दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से 6 जनवरी 2022 को जारी नियुक्ति आदेश के तहत जिन लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं उन्हें 23 मार्च तक कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग में 8,325 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण डाक सेवकों ने दिया धरना। तो नई पेंशन समाप्त करने, पुरानी पेंशन लागू करने समेत 14 सूत्री मांगे पूरा करने की उठाई मांग। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो गंगा घाटों पर फैली है गंदगी, जिम्मेदारों में नहीं शर्मिंदगी। तो घाटों पर खाली बोतलें, जूठे पत्तल, दोने और पॉलिथीन सीट, गंदगी फैलाने में श्रद्धालु भी पीछे नहीं है।
वही खबर हरिद्वार से काजू कतली समेत 8 खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे गए। पुलिस के मॉडल स्कूलों में होगी स्मार्ट क्लास। तो हरिद्वार जिले में 2 और प्रदेश भर में कुल 5 स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने के लिए DGP की पहल। स्पोर्ट्स साइकिलें चुराने वाले 3 बदमाश पकड़े गए, तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं खबर आई है हरिद्वार से ज्वालापुर के तांत्रिक के खिलाफ दुष्कर्म का केस। तो ज्वालापुर के तांत्रिक के लखनऊ की लड़की को दिल्ली बुलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं खबर आई हरिद्वार से हाईवे पर तिरछे पुल के पास आया हाथी। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो रैंकिंग प्रकरण मेडिकल कॉलेज के 30 गार्ड बदले जाएंगे। वहीं खबर है हल्द्वानी से खाली बर्तन लेकर किया प्रदर्शन, तो पदम पुल पडलिया में पेयजल के लिए मचा हाहाकार। वहीं खबर है हल्द्वानी नैनीताल से 12 से 14 वायु वर्ग के 196 बच्चों ने लगाया कोविड टीका। भीमताल से खबर आई है अवैध बोरिंग करने पर रिजॉर्ट सील किया गया। हुड़दंग करने वालों पर होगी कार्रवाई, तो होली के पर्व को देखते हुए जिले की पुलिस वाहनों की चेकिंग करेगी, हुड़दंग करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करेगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय में परीक्षाएं 21 मार्च से, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में 21 मार्च से शुरू होने वाली स्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो कैलाश मानसरोवर सड़क से बर्फ हटाने का कार्य तेज हो गया है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ चंपावत से 2 जिलों में सिर्फ 89 बच्चों को लगा टीका। लोहाघाट से खबर आई है कोटसारी में पहाड़ी से गिरकर महिला की मौत हो गई। वहीं खबर है चंपावत से 2.5 किलो चरस के साथ एक धरा गया। 16 दिन से बंद है रीठा साहिब हल्द्वानी के बीच रोडवेज की बस सेवा। विवादित प्यारे ताल में नौकायन फिर शुरू, तो दोनों पक्ष इस झील पर जताते हैं अपना अधिकार। पिथौरागढ़ से खबर आई है शराब पीकर वाहन चलाने पर 2 को गिरफ्तार किया गया। वहीं टनकपुर में 44 पवों के साथ गिरफ्तार किया गया। त्योहारों की यही कहानी, सीटों के लिए मच रही मारामारी। तो अल्मोड़ा से खबर आई अल्मोड़ा डिपो में चालकों की लगातार कमी के चलते रोडवेज की 3 बसें रही स्थगित। बागेश्वर से खबर आई चोरी के आरोप में 1 युवक को गिरफ्तार किया गया। अल्मोड़ा में 82,000 लाभार्थियों को मिला था गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो इंटार्क फैक्ट्री में तालाबंदी उत्पादन ठप, तो तालाबंदी देख 500 कर्मचारी कंपनी के आगे धरने पर बैठे। वहीं खबर है सिद्धार्थगंज से हाईवे पर मिला युवक का शव, शिनाख्त नहीं हो पाया। काशीपुर में युवती को बेचने के प्रयास में 8 को गिरफ्तार किया गया है। खटीमा की जनता के आशीर्वाद ने दिलाए राजनीति में मुकाम, तो धामी कार्यवाहक सीएम बोले जनादेश सिरोधार्य, क्षेत्र का करता रहूंगा विकास। अल्मोड़ा खड़ी होली के रंगों में हुआ सराबोर। जौलजीबी धारचूला तक रेल लाइन निर्माण की मांग की गई। अल्मोड़ा जिले में 19 मार्च को अवकाश रहेगा, तो होली की छलड़ी को देखते DM वंदना ने 19 मार्च को जिले में राज्य सरकार के सभी सरकारी विभागों में अवकाश की घोषणा कर दी है। कुमाऊं में 2 माह में ही दुष्कर्म के 21 मामले सामने आए, तो कुमाऊं में दुष्कर्म की घटनाओं ने तेजी से इजाफा हो रहा है। उधम सिंह नगर और नैनीताल के साथ ही पर्वतीय जिले पिथौरागढ़ में भी महिलाओं से होने वाले अपराध का ग्राफ बढ़ा है। पुलिस के हर दावे फिर